तो दोस्तों आज हम लोग कमला नगर में ट्राई करने आ गए हैं यहाँ का बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेड पकोड़ा। कहा जाता है कि इसके एक ब्रेड पकोड़े के अंदर ही 150 ग्राम पनीर डाल के इसको बनाया जाता है। तो आइए चलते देखते हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे पनीर की कटिंग की जा रही है और चेक कीजिएगा पनीर के साइज का कि कितने मोटे मोटे पीसेस से यहाँ पर जो है हमारे ब्रेड पकोड़े बनाए जाते हैं। ये पूरा पीस एक आप देख रहे हैं ना, वो पूरा एक पीस आपका जो है एक ब्रेड पकोड़े के अंदर जाने वाला है। आप देख रहे हैं ना पूरा एक पीस जो है एक ब्रेड पकोड़े के अंदर जाने वाला है। कहा जाता है 150 ग्राम यहाँ पर पनीर का पीस एक ब्रेड पकोड़े के अंदर जाता है। और ये वाले जो ब्रेड पकोड़े हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ के कमला नगर के, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा जो आलू का बैटर रहता है जो हमारे ब्रेड पकोड़ों के अंदर जाता है, तो ये वाला बैटर प्रिपेयर किया जाता है। और इसकी रेसिपी नहीं बताई जाती क्योंकि सारा खेल ही इसके अंदर है, सारा स्वाद ही इसके अंदर है। और अब ये देखिए दोस्तों, हमारे ब्रेड पकोड़े की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी। ब्रेड पीस हमारे निकाल लिए गए हैं तो हमारे वाइट ब्रेड के अंदर ही हमारे ब्रेड पकोड़े प्रिपेयर किए जाते हैं। तो स्टफिंग की जा रही है हमारी यहाँ पर आलूओं की हमारी ब्रेड के ऊपर। और ये देखिए स्टफिंग करके यहाँ पर जो है हमारे ब्रेड पीसेस को अलग कर दिया जाएगा, ये देखिए। और कंटिन्यूस इस तरीके से ना पूरे दिन यहाँ पर हमारे ब्रेड पकोड़े बनते हैं। और ब्रेड पकोड़े यहाँ पर इसकी इस तरीके से ब्रेड पकोड़े बनते हैं आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही जिस तरीके से ये बनाते हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। और जो टेस्ट यहाँ पे सर्व किया जाता है वो भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत ही अलग स्वाद के साथ यहाँ पर जो है ब्रेड पकोड़े बनाए जाते हैं। तो ये देखिए स्टफिंग की जा रही है यहाँ पर ब्रेड पकोड़ों की। तो दोस्तों अब हमारा पनीर का पीस देखिए, पूरा एक पनीर का पीस 150 ग्राम का यहाँ पर ब्रेड के बीच में लगाया जाता है हमारे ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए। तो ये सच्चाई है भाई, आप देख लीजिए कितना आपको आपकी आंखों देखा यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा बनाया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से कितने बड़े बड़े पीसेज यहाँ पर पनीर के जो है हमारे ब्रेड पकौड़े के अंदर डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है नॉर्थ कैंपस का स्पेशल ब्रेड पकौड़ा, जिसके अंदर पनीर की स्टफिंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको बिगेस्ट ब्रेड पकोड़ा भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ पर अब हमारे ब्रेड पकोड़ों को फ्राई किया जाएगा। तो ये बेसन का जो घोल है वो तैयार कर लिया गया है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे ब्रेड पकोड़ों को फ्राई किया जाएगा यहाँ, एकदम बढ़िया से पैक कर दिया जाता है पहले ब्रेड से, और ये इसके अंदर डिप करके इसको किया जाता है फ्राई। और जो बेसन की कोटिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटी रहती है, जिससे बढ़िया एकदम करारा हो जाता है हमारा और हैवी भी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से कोट करके ये हमारे ब्रेड पकोड़े को किया जाएगा फ्राई। और साइज़ चेक कीजिए, ये ब्रेड पकोड़ा इतना ज़्यादा हैवी होता है ना, मतलब एक बंदा अकेले आधे ब्रेड पकोड़े को भी नहीं खा सकता। ये देखिए पकोड़ों को हाथों हाथ निकाला जा रहा है और इन ब्रेड पकोड़ों को जो है ना कट करके डबल फ्राई किया जाएगा, जिससे हमारे ब्रेड पकोड़े और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारे ब्रेड पकोड़ों को यहाँ पर डबल फ्राई किया जा रहा है। और ये देखिए ऊपर तक हमारे जो है तेल आ चुका है। और भाई ब्रेड पकोड़े बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं और अब इनको निकाला जा रहा है। ये देखिए तो एक बार में मतलब इतने इतने ब्रेड पकोड़े हमारे फ्राई किए जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया, ये देखिए तीन जगह निकल चुके हैं और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे ब्रेड पकोड़े निकलते रहते हैं। ये देखिए अमेजिंग, एक बार चेक कीजिए एक ब्रेड पकोड़ा कितना कितना यहाँ पर बड़ा है साइज में। ब्रेड पकोड़ों की ट्रे आ चुकी है और अब इन ब्रेड पकोड़ों को यहाँ पर कट किया जाएगा। और भाई साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर ब्रेड पकोड़ों का। ये देखिए अब की जाएगी कटिंग हमारे ब्रेड पकोड़ों की यहाँ पे। ये देखिए कट करके इसको जो है
रखा जाएगा। और भाई साहब देखिए पनीर का एक बार साइज़ देखिए आप लोग कि कितना ज़्यादा पनीर हमारा डाला हुआ है एक ब्रेड पकौड़े के अंदर, 100 ग्राम एक ब्रेड पकौड़े के अंदर। तो ये देखिए भाई साहब अमेजिंग, और लोग दीवाने हैं इस ब्रेड पकौड़े के। और एक ब्रेड पकोड़े का, पूरे एक ब्रेड पकोड़े का जो प्राइस रहता है ना वो 150 रुपये रहता है अगर आप पूरा एक ब्रेड पकोड़ा लेते हैं तो 150 रुपये का एक ब्रेड पकोड़ा दोस्तों, जिसमें आपका 100 ग्राम पनीर डाला जाता है। ये देखिए आलू की फिलिंग और पनीर ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से। ये देखिए तो कटिंग ऐसी ना रेगुलर इस ब्रेड पकौड़ों की चलती रहेगी यहाँ पर, और फटाफट से इनको दोबारा से एक बार फ्राई कर कर कस्टमर्स को सर्व किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये जा रहे हैं अब हमारे काउंटर पर डबल फ्राई होने के लिए और कस्टमर्स को सर्व होने के लिए। तो हम लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा जो है ब्रेड पकौड़े की एक प्लेट लग रही है, तो ये देखिए, और ये रहती है इसके साथ छोले की सब्जी, छोले पकौड़े और आलू, और इस सब्जी के साथ हमारे सर्व किए जाते हैं ब्रेड पकोड़े। ये देखिए ऊपर से मेथी और ये दही, और ये देखिए ये आ गया हमारा ब्रेड पकोड़े का पीस। तो गाइस ये आ चुका है हमारा यहाँ पे 100 ग्राम पनीर वाला ब्रेड पकोड़ा। तो भाई साइज़ इतना ज़्यादा इसका बड़ा है ना, हम लोगों ने हाफ ही ब्रेड पकोड़ा यहाँ पर लिया। दूसरी बात जो हमारा ब्रेड पकोड़ा है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, और पनीर देखिए कितना सारा पनीर डाला हुआ है, और मतलब पनीर ना अंदर तक है, ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पीस डाल दिया, पूरा अंदर पूरा ऐसे ट्राइंगल शेप में पनीर डाला हुआ है इसके अंदर। और आलू की फिलिंग की बात करें तो आलू की फिलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर की गई है, और आलू की सब्ज़ी के साथ इसको सर्व किया जाता है। मेरे को तो बहुत अमेजिंग लगा, यहाँ के लोगों तो दीवाने हैं इस ब्रेड पकोड़े के। आज हम लोग आए हैं गोपाल स्वीट कॉर्नर पे जो कि है कमला नगर के अंदर, तो डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।